सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। स्वागत है आपका यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वचन परमेश्वर में आपके विश्वास को बढ़ाएगा। पवित्र बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिनको पढ़ने और सुनने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच्ची शांति देता है। हमारा परमेश्वर ही शांति का राजकुमार है। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको पवित्र बाइबल में से सिर्फ 5 ऐसे वचन बताऊंगी जिनको पढ़ने और सुनने के बाद आप मन की शांति को पाएंगे। पढ़ते हैं हमारे पहले वचन को जो लिखा है भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4 आयत में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हमारा अगला वचन है भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 7 आयत। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 17 आयत। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जब एक धर्मी जो पाप से दूर है परमेश्वर को विपत्ति के समय पुकारता है तो वह उसे छुड़ाता है। अगला वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय उसके 14 आयत को। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं अपने कर्मों के साथ तो वो हमें छुड़ाता है और ऊंचा करता है। इस वीडियो का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे जो लिखा है भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 18 आयत में। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। हर पल हर घड़ी जब हम प्रभु को पुकारते हैं रूह और सच्चाई के साथ, जब हम उसकी आराधना और प्रार्थना करते हैं वो हर पल हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है। आप इन वचनों के द्वारा प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास है कि इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, आमीन।